नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। ममता बनर्जी आखिर किस बात से इतनी डरी हुई है? क्यों इससे पहले भी एक बार उन्होंने आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत की एक रैली पर रोक लगाने की कोशिश की थी, कोर्ट से झटका लगा था। अब एक बार फिर बुकिंग थी एक ऐसे हॉल में जो दरअसल सरकार की तरफ से जिसकी देखरेख का जिम्मा है, लेकिन वहां पर उनके आयोजन के लिए कह दिया गया कि हॉल में मेंटेनेंस का काम चल रहा है। आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत मन मसोसते रह जाएंगे, लेकिन कोलकाता में भाषण नहीं दे पाएंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आरएसएस से 36 का आंकड़ा है और उसे ममता ने बाकायदा बरकरार भी रखा है। साफ कर दिया है कि पश्चिम बंगाल में दीदी की चलेगी, दादा की नहीं। दरअसल 3 अक्टूबर को कोलकाता में मोहन भागवत को भाषण देना था। भाषण का विषय था भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन में सिस्टर निवेदिता की भूमिका। इस कार्यक्रम की सारी तैयारी हो चुकी थी, महाजाति सदन में हॉल की बुकिंग हो गई थी, पेमेंट जमा हो गया था, न्योता छपने चला गया था, लेकिन इसी बीच महाजाति सदन ने आयोजकों से कह दिया बुकिंग कैंसिल। बहाना ये बनाया कि ऑडिटोरियम की हालत खस्ता है, इसकी मरम्मत का काम होना है, आपका कार्यक्रम नहीं हो पाएगा। PWD गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल इश्यूड ए नोटिस दैट they have undertaken the auditorium for maintenance of stagecraft light bar and AC plant routine checkup। महाजाति सदन कोलकाता का जाना माना ऑडिटोरियम है, पश्चिम बंगाल सरकार के अधीन है। अब दीदी की मर्जी के खिलाफ आरएसएस के मुखिया के भाषण के लिए सरकारी ऑडिटोरियम भला कैसे मिल सकता है? यहाँ ये भी बता दें कि जिस हॉल की हालत खस्ता बताई गई है वो तो पूरी तरह चकाचक है। पश्चिम बंगाल में दीदी और दादा की भिड़ंत फिर एक बार शुरू हो गई है। आरएसएस के चीफ मोहन भागवत के कार्यक्रम को मना करके महाजाति सदन ने ये तो कहा है कि उन्हें मरम्मत की जरूरत है, पर सवाल ये खड़ा हो गया है कि आखिरकार इस इमारत को मरम्मत की जरूरत तभी क्यों पड़ती है जब आरएसएस का कोई कार्यक्रम निश्चित हो जाता है, या फिर तृणमूल कांग्रेस की सरकार बार बार इस तरह के कार्यक्रम को रोकने के लिए एक नया तरीका निकाल लेती है। 3 अक्टूबर के इस कार्यक्रम का आयोजन सिस्टर निवेदिता मिशन ने किया था, एन वक्त पर ऑडिटोरियम की मनाही पर आयोजक हैरान है। महाजाति सदन यूं तो पश्चिम बंगाल सरकार के ही अधीन है, लेकिन उसका संचालन स्वतंत्र कमेटी करती है। महाजाति सदन ने मरम्मत के लिए PWD का नाम लिया, जबकि इसका PWD से कोई नाता नहीं है। ऐसे में कहने की जरूरत नहीं कि कोलकाता में मोहन भागवत को बोलने से रोके जाने का फरमान कहां से आया होगा। अब आरएसएस ने भी ठान लिया है कि जो भी हो कार्यक्रम तो होगा ही और मोहन भागवत भी बोलेंगे। फैसला ममता सरकार कर ले तो ठीक, वरना अदालत में अर्जी जाएगी। अभी बोल रहे हैं जो इसका रिनोवेशन चलेगा और रिनोवेशन वर्क के लिए सिर्फ 2 दिन का ही रिनोवेशन है और 1 महीने के बाद वो 3 अक्टूबर को और 4 अक्टूबर को ही रिनोवेशन करना है। इसका पहले भी नहीं किया जा सकता है और बाद में भी नहीं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और BJP के साथ ममता बनर्जी की सियासी रस्साकशी बहुत पुरानी है। इसी साल जनवरी में मोहन भागवत कोलकाता में रैली करने वाले थे, लेकिन कोलकाता पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी। सरकार के फैसले के खिलाफ आरएसएस के लोग हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट ने सरकार के खिलाफ फैसला किया, तब जाकर मोहन भागवत की रैली हुई। इससे पहले 2014 में ममता सरकार ने विश्व हिंदू परिषद की रैली के लिए परेड ग्राउंड में इजाजत नहीं दी थी। उस रैली में भी मोहन भागवत को बोलना था। उस वक्त भी VHP हाईकोर्ट से रैली की इजाजत ले आई थी। VHP की रैली से कुछ दिन पहले ममता सरकार ने अमित शाह की रैली को ब्लॉक कर दिया था। BJP ने हाईकोर्ट से रैली की इजाजत ली, तब जाकर अमित शाह की रैली हुई। देखिए, पश्चिम बंगाल की सरकार की एक आदत पड़ गया है जी, कोई भी संगठन मीटिंग व मिचिल करना चाहते हैं कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल के डिस्ट्रिक्ट में, वो TMC के साथ जुड़े हुए नहीं होने से उसको परमिशन नहीं दिया जाता है। ममता बनर्जी सरकार की BJP और मोहन भागवत से खुन्नस की वजह भी है। पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी का गढ़ बन चुका है। दशकों के संघर्ष के बाद उन्होंने वाम पंथियों से सत्ता छीनने में कामयाबी हासिल की,
लेकिन अब बीजेपी और आरएसएस की निगाहें पश्चिम बंगाल पर हैं। आरएसएस वहां भगवा झंडा फहराने के सपने देख रहा है। ममता बनर्जी की पार्टी का तृणमूल साफ करने की फिराक में है। ऐसे में ममता बनर्जी को अपना गढ़ बचाने की फिक्र तो होगी। कोलकाता में मनोज्ञा लोहिवाल के साथ आज तक ब्यूरो। पहली बार नहीं किया ममता बनर्जी ने ऐसे, इससे पहले भी मोहन भागवत के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ वो बोलती रही हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि ममता बनर्जी क्या वाकई धर्म के आधार पर अपनी अपीजमेंट यानी तुष्टिकरण की राजनीति को नए मकाम पर पहुंचा चुकी हैं? मुहर्रम के लिए दुर्गा पूजा में जब भसान के लिए लोग जाते हैं, उस तारीख को, विसर्जन की तारीख को बदल देना, क्या ये कहीं से भी सही ठहराया जा सकता है तुष्टिकरण की ममता की राजनीति? दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का सबसे खास त्योहार है और ममता बनर्जी ने इस बार दुर्गा पूजा पर ही पंगा ले लिया है। पिछले 24 अगस्त को ममता बनर्जी ने फरमान जारी किया कि 30 सितंबर को शाम 6 बजे के बाद कोई मूर्ति विसर्जन नहीं कर पाएगा। दलील दी कि 1 अक्टूबर को मुहर्रम है और उस रोज ताजिए निकलेंगे, लिहाजा मूर्ति विसर्जन नहीं करने दिया जाएगा। विजयदशमी के दिन शाम 6 बजे तक ही मूर्ति विसर्जन किए जाएंगे क्योंकि उसके बाद मुहर्रम के जुलूस निकलेंगे। अगर ये दोनों चीजें एक साथ होंगी तो समस्या खड़ी हो सकती है। मैं इस मामले में आप सभी का सहयोग चाहती हूँ। कुछ लोग इस मौके का फायदा उठाना चाहेंगे और अपने हित के लिए हिंदू और मुसलमानों को एक टूल की तरह इस्तेमाल करेंगे। ममता का ये फरमान आरएसएस और बीजेपी को रास नहीं आया। आरएसएस ने इसे हिंदू अस्मिता बनाम मुस्लिम तुष्टिकरण से जोड़ दिया। मुख्यमंत्री हर बार दुर्गा पूजा के समय एक तालिबानी फरमान जारी कर देंगे जिसकी कोई जरूरत नहीं है। आज नया कोई दुर्गा पूजा या तो मुहर्रम नहीं हो रहा है बंगाल में, सैकड़ों साल से यहाँ दोनों समुदाय मनाते आ रहे हैं, तो इसलिए कोई अगर आसपास आ गया है तो दोनों से बात करके उसका रास्ता निकाला जाए। एडमिनिस्ट्रेशन का काम है तो उसको एडमिनिस्ट्रेशन संभाले, लोगों का त्यौहार मनाने का मनाए चाहे तो उसके लिए रूट अलग किया जाए, लेकिन एक को बंद करके दूसरे को चलाएंगे तो स्वाभाविक रूप से इसका विरोध होगा। हालांकि ममता बनर्जी ने यह फरमान जारी करने से पहले दुर्गा पूजा पंडालों के प्रबंधकों की बैठक बुलाई थी। उन्हें बताया था कि दुर्गा पूजा और मुहर्रम की तारीख आसपास है, लिहाजा एक दिन मूर्ति विसर्जन का काम रोक देना चाहिए, लेकिन बीजेपी और आरएसएस ने इस फरमान पर त्योरियां चढ़ा दी। ममता बनर्जी ने दुर्गा पूजा पर मूर्ति विसर्जन को लेकर पिछले साल भी ऐसा ही फरमान जारी किया था। पिछले साल विजयादशमी 11 अक्टूबर को थी और मुहर्रम 13 अक्टूबर को। सरकार ने 13 अक्टूबर से पहले ही सारे विसर्जन कार्यक्रम पूरे करने के निर्देश दिए थे। सरकार के फैसले को अदालत में चुनौती दी गई थी। इस पर जस्टिस दीपांकर दत्ता ने सरकार के फरमान को अल्पसंख्यक वर्ग को खुश करने का प्रयास बताया था, लेकिन सरकार के निर्देशों में दखल देने से इनकार कर दिया था। मूर्ति विसर्जन को लेकर सरकार और आरएसएस में रार अभी थमी भी नहीं थी कि ममता बनर्जी सरकार ने मोहन भागवत का कार्यक्रम रद्द करवाकर आग में और भी घी डाल दिया है। आरएसएस और बीजेपी ममता सरकार के इस फैसले की जमकर मजम्मत कर रहे हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसके अलावा इस पूरी घटना का कोई और एक वाक्य में समप करने के लिए नहीं है। ये जो ट्रस्ट है ये अति निर्धन महिलाओं और बच्चियों में काम करता है। संघ के नाम पर अपने प्रदेश में रहने वाली गरीब, अति गरीब महिलाओं और छोटी बच्चियों का भी विरोध करेंगी क्या? नहीं नहीं, रिपेयर देखिए, रिपेयर रेनोवेशन ये सब बात जो बुद्धू बनाने वाली है कोई भी बच्चा समझ सकता है, कोई भी बच्चा समझ सकता है। इस तरीके का ब्लेटेंट अपीजमेंट पॉलिटिक्स जो है ये शायद हमारे मुसलमान भाइयों को भी अच्छा नहीं लगेगा। क्या बरकती जी उनका फेवरेट नेता या कोई इमाम अगर कोई ऐसा प्रोग्राम करने जाएंगे तो ममता जी ऐसे रोक लगाएंगे? 2014 में केंद्र में सत्ता मिलने के बाद बीजेपी ने विरोधियों के बड़े बड़े किले फतेह कर डाले, लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने बीजेपी की दाल गलने नहीं दी। आरएसएस और बीजेपी ने एक बार फिर सियासत की अंगीठी सुलगाकर पतीला रख दिया है, इस आस में कि क्या पता इस बार दाल गल ही जाए। कोलकाता में मनोज्ञा लोहिवाल के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। और अब आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश। एक ऐसी चीज
जिसको सोचा मायावती ने, बनवाया अखिलेश यादव ने, लेकिन फीता काटा योगी आदित्यनाथ ने। जी हाँ, लखनऊ मेट्रो। लखनऊ के नवाबी ठाट में एक और शान जुड़ गई। बरसों का इंतजार खत्म हुआ और पटरियों पर नई नवेली मेट्रो दौड़ पड़ी। लाल और सिल्वर कलर की खूबसूरत मेट्रो का गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन किया। मेट्रो सेवा को अटल बिहारी वाजपेयी के नाम समर्पित कर दिया। मैं ये मानता हूँ कि आज का यह दिन लखनऊ शहर के लिए नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक दिन बन गया है। आज यह जो मेट्रो सेवा प्रारंभ हुई है, एक बहुत बड़ा विकास आदेश लखनऊ के लिए है। इस विकास को, इस मेट्रो सेवा को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को मैं समर्पित करता हूँ। आज का दिन पूरे उत्तर प्रदेश के लिए ऐतिहासिक बन गया है। राजनाथ सिंह के साथ राज्यपाल राम नाईक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने मेट्रो में सफर का लुत्फ लिया। लखनऊ की मेट्रो दूसरे शहरों की मेट्रो से अलग है, अत्याधुनिक तकनीक वाली है, तमाम खासियतों से लैस है। सिक्योरिटी के क्या क्या फीचर? सिक्योरिटी के लिहाज से आपने एक सीसीटीवी कैमरा देखा जो कि ऑनलाइन मॉनिटरिंग होती है। अगर इसमें किसी भी सुरक्षा के सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम। लखनऊ मेट्रो की शुरुआत की खास बात ये रही कि इसे महिला चालकों ने संचालित किया, उनकी खुशी देखते ही बनती थी। लखनऊ के वाले लोगों को, निवासियों को बहुत ज्यादा उत्साह थी कि मेट्रो कब चले, तो जब भी हम लोग सफर करते तो हमेशा वो लखनऊ मतलब मेट्रो कब चलेगी, मेट्रो कब चलेगी हमसे पूछते थे। आज उन्हें बहुत काफी अच्छा लगा होगा। इसके साथ ही उनकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था जो रोज लखनऊ के जाम में फंसते थे। बहुत अच्छा लगा और लखनऊ मेट्रो के आने से यहाँ पे ट्रैफिक पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा और हम लोग बहुत इजीली और बहुत कन्वीनिएंटली अब ट्रैवल कर पाएंगे। लखनऊ मेट्रो इस मामले में भी ऐतिहासिक है कि इसका दो दो बार उद्घाटन हो चुका है। इससे पहले अखिलेश यादव के राज में मुलायम सिंह यादव ने इसका उद्घाटन किया था, तब समाजवादी कुनबे ने मेट्रो की सैर की थी। लेकिन आज जब औपचारिक रूप से लखनऊ मेट्रो चली तो अखिलेश नेपथ्य में थे। क्या संयोग है, मेट्रो के बारे में सोचा मायावती ने, बनवाया अखिलेश ने, फीता काटा गया योगी के राज में। शिवेंद्र के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे राम रहीम पर स्टिंग ऑपरेशन। क्या कह रहे हैं ये लोग हनीप्रीत के बारे में, देखते रहिए आज।